भारत की वो यूनिवर्सिटी जिसके आगे दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी फैल हो गई थी। आज अगर कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो दिमाग में बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी के ख्याल आते हैं। आपको बता दें कि करीब 1500 साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, और वह है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा शब्द संस्कृत के तीन शब्दों को जोड़कर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ है भरपूर ज्ञान का भंडार। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इस यूनिवर्सिटी पर प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। जैसा इस यूनिवर्सिटी का नाम था वैसा ही यहाँ का काम। और तो और, इस नालंदा यूनिवर्सिटी में हर विषय का भरपूर ज्ञान दिया जाता था, जिसके चलते यहाँ एक बहुत बड़ी 9 मंजिला लाइब्रेरी थी और इसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें उपलब्ध थी। नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष हैं। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से ज़्यादा होती थी और 2700 से ज़्यादा टीचर्स होते थे। इस यूनिवर्सिटी में केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलोसफी समेत कई विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। बिहार की इस नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लोग खींचे चले आते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत, तुर्की और म्यांमार समेत कई देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह यूनिवर्सिटी 800 साल तक दुनिया को सीख देती रही। इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शीतरक्षिता और आर्यदेव। दोस्तों, जिस वक्त नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी और एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, तब इस यूनिवर्सिटी पर 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने हमला कर दिया। बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से जला दिया। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान इस भयंकर आग में नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी लगातार 3 महीनों तक जलती रही। भरपूर ज्ञान का वो खजाना जो कभी संभाल कर रखा गया था, वो सब धुएं में खो गया। 57 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी मात्र एक खंडर बनकर रह गई। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक पता चला है कि नालंदा यूनिवर्सिटी आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। इन सभी के बावजूद नालंदा वक्त के मार को नहीं झेल पाई, इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से इस यूनिवर्सिटी ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। आशा करते हैं कि वक्त एक बार फिर से करवट लेगा और कहा जाएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड।